हटली मड़े बुक्स वाँचिया थी उनमें थी हकड़ी चौपड़ी है जिन जो नालो है भावे भावना भावे अने उनमें जो हकड़ो लेसन सनत कुमार चक्रवर्ती नू रूप मत अने ये जो ना सनत कुमार चक्रवर्ती रूप मत रूप एटले एनी के नी जो शरीर अने मद एटले के अभिमान सनत कुमार चक्रवर्ती जो अभिमान जो को वार्ता जो नालो है अने हकड़ी को थी है हेड़ो तो आखी रात सभा भराणी है अने सनत कुमार चक्रवर्ती के जो को राजा आई अने रूप रूप जांबा रे के मड़े नी जो रूप नेरेला करे ने आचे अने हनी के भी पंजे रूप ते बहु ईगो वे तो बहु अभिमान वे तो अने वठा में तानी के पाके खबर पे कि अभिमान थी वठाई अने अने खरेखर नी जो रूप एटलो मस्त रहे तो अने अकड़ियो के थिए हेडो तो के एटलो सारो रूप वे तो ते इंद्र आई ना देवलोक में नी जो रूप जी प्रशंसा कहीं था कि पृथ्वी लोक ते जो कोई सारा मा सारो कोई जो रूप वे तो वे सनत कुमार चक्रवर्ती जो बस पोई करो जेलसी पांजेड़ा जी है ना ती मथे पड़ा है मथे भी ब देव के जरा जेलसी थी हेड़ो थोड़ी वे के मनुष्य लोक में हेटलो की रूप वे चल पा परीक्षा कहीं ने पावी ने हेड़ो केड़ो अंजो रूप है तो ब देव को कहीं ना खबर है पिन ब्राह्मण जो रूप कने था ब्राह्मण जो रूप कने अने राजसभा में अच्छे था राजसभा में अच्छे था तो महाराज तनी के आकार दिए था कि पधारो पधारो तो महाराज के जीता महाराज चेता ही कड़ा थी आवे आयो ने के रहो तचे कैसे तो दूर थी आवे आयो पर दूर दूर मड़ी ठिकाने ना आंजे रूप जी बहुत चर्चा है कि मड़े आंजे रूप नेरला करने आचे असि खाली आंजे रूप नेरला आ गया है तो राजा के तो और अभिमान वधे वियो कि दूर दूर सुधी मुझे रूप जी चर्चा है वाह वाह तो इहीच ब्राह्मण के चेता कि आने को रोहाने तो डी ढलेला आ गयो ने अहीं आव्या ने मुझे रूप नेरो था अहीं रूप तो कालो जरे स्नान घर में थी बाहर नकरा ने राजमहल में छा त्यारे मुझे रूप नेरी जा त्यारे आके खबर पड़ी कि मुझे असली रूप केड़ो है तो विचारिए था ठीक है असी काल पाछा आजीवो तो पूरा राजमहल में अने राजा के भी तो कि जो सवार जो मुझे नाय तो ने जो को रूप नेरिंदा हन में ती तो यनी के तही तो बाप रे हेटलो मड़े रूप थ्यो करो बेड़ी राजा तो एकदम मस्त नाय धोए तैयार थे राजमहल में अच्छे था राजा जेड़ा राजमहल में अच्छे था वे था थोड़ी बार थी वो ब्राह्मण वही सामे थी आ गया राजा उन्हीं के अवकार दिए था पर अचानक कि हेड़ो थ्यो कि जो ब ब्राह्मण वाला उन्हीं के फेस से इतनी खुशी न डसानी चुको नहीं के काल डसानी तो राजा के की लगे तो मुझे रूप ने ने ढले लिया बेचारा कोई तो राजा चिंता सो आज मारो रूप केवु लाग्यो हवे बोलो ब्राह्मणो तो ब्राह्मण थोड़ो मुंह नीचे करे गने था जी महाराज आज ता असा के आंजो रूप तो ठीक है पर असा के आंजे में शरीर में कितला मड़े रोग उत्पन्न थेला डस चिंता महाराज चिंता असंभव जी महाराज असी हकीकत छूता के तुम्हारा को कहीं था खबर पेंजी थोक फोगाई था अने जड़ी अंजी थोक फोगाई था उनमें तो कीड़ा लग बदे में था बाप रे महाराज विचारे रहा कि ही करो जैन शरीर थी हाँ हटलो अभिमान कहीं दो वो शरीर अंदर थी हैडो या आपको रोगियों थे वो मुझे शरीर बस हीज भावना नहीं जी वद्दी वही वैराग्य अच्छे वे होनी के संसार थी विरक्त थे वे अटले संसार त्याग कर रहा था अने दीक्षा घने गड़ा दीक्षा तो घने गड़ा पर राजा आई जो संसार भोगवे आई सारी रीते ताने छड़िए भी एटली सूरवीरता थी था अने पोई तो धर्म ध्यान में एटला मग्न थेता वने के पाछी देवलोक में नीजी चर्चा थी हती पाछी देवलोक जी सभा भराणी है इंद्र महाराजा फरी चिंता जो पृथ्वी लोक में है वर कोई सारे में सारी धर्म आर्धना उत्कृष्ट करे रहा है तो हुआ सनत कुमार चक्रवर्ती के जो को साधु थे रहा बस अने पोई करो भरी उबस है उबस जो को देवा उन्हीं की जेलसी थी हेटली की सारी आराधना करे सके पानी के थोड़ो फिसलाई हो ना थोड़ो खनी के की चौप हो ना तई पिंजी आराधना छड़े लाइंगा तो उबस जो को देव ही ना वो वरी अपड़ो रूप गने ने पृथ्वी ते अच्छे था अने पृथ्वी ते अच्छे था ना त्यारे ही साधु के नहरिये था तो शरीर में नीचा तो शरीर में रोग उत्पन्न थे जवा हाँ तो आखो शरीर रोगयुक्त थे हुए पर आराधना उत्कृष्ट है नी जी बस वो रोगयुक्त शरीर के नहरे ने चिंता हे मुनि तू ये कोरो करे रहो ये तो के हन पीड़ा में थी असी बचाए सबूं था तू असांजे शरणे अच्छे बन मुनि की नता बोले कौशक ध्यान में स्थिर है वरी वो देव चिंता वो देव माड़ू जो रूप गने ने आव्या में था मनुष्य जो रूप में वे था असी तो के हन पीड़ा में थी हेवरी बार मुक्त करे सकूं था अने त्यारे है ना मुनि जे कन्वी जो को शब्द अथड़ा चिंता तो एक और कहीं था मुनि खबर है किंच नता कहीं पंजी थोक है ना अपनी आंगड़ी ते लगाई है था खाली ने जेड़ी वो थोक नहीं जी आंगड़ी ते लगे थी ना कंचन वर्णी काया इतने के एकदम सरस मजा जी आंगड़ी थी वने बस
ही नरेन तो बहुत देव छप थेता वने ही करो के गुरुदेव जी थोक में भी इतनी ताकत है कि पंचो शरीर आपको कंचन अटले के एकदम सुंदर काया करे सके ता पण वैराग्य में इतना मग्न है कि हाने यानी के नीचे रूप जो कोई भी अभिमान ना रहयो रूप थी विरक्त थे वे आई हाने अने त्यारे ज हुजो को देव आई ना वो माफी मंगे था चेता के पहला भी राज्यसभा में असी जावया वा के जिनजे कारण ये जी दीक्षा गड़ायो अने आज भी असी हुज देव आयो के आंजी परीक्षा कर लावया परंतु आई खरेखर इंद्र आंजी जेडी प्रशंसा क्या ना आई होड़ा जा होड़ायो असा के आई ब असा के माफ कयो अने शरद सनत कुमार चक्रवर्ती पिंजी आराधना में मग्न थे ने उतेज कर्म खपाइए था। मोरल ऑफ द स्टोरी कि क्यारे भी रूप जो वधारे अभिमान न करे जो रूप जो तो कैडो है आज बहुत सारू है कल ओछू है पिंजी भावधारा हकड़ी स्थिर होनी खपे अटले हमें खोवाए ना वन होन चीज में संभाल जरूर रखे जी शरीर जी पर शरीर जी पुठिया लाए बजे जो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।